हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अमित परिमल कॉमेडी 2022 फ्रॉम द चैनल ऑलवेज मस्ती टाइम। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कंपाइलेशन की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ अमित भैया का जो शॉर्ट वीडियो चैनल है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार, प्रणाम, पिलम पेल न्यूज से प्यार है। तो जैसे क्या चीज है भैया, वो रिपोर्टर है, बोलो नहीं। इसके लिए हम दिल दिए हैं तो जान भी देंगे। चलो ना रिपोर्टर, आज गान भी लेंगे। ओ भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनके पास कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, तरह तरह के आवाज निकालते हैं। हाँ तो भाई साहब, एक आवाज सुनाइए जनता को। ये क्या है? यही तो टैलेंट है। अर्ज किया है कि दिल्ली तो दूर है हम जाए तो जाए कैसे, ट्रेन से। दिल्ली तो दूर है हम जाए तो जाए कैसे, बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, कार से, बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्त, अगर तुमको किसी से मारपीट हो जाए, मुसीबत आ जाए, मुसीबत से महा मुसीबत आ जाए, तो उस समय हमको याद मत करना, क्योंकि हम आने होने वाले नहीं भाई। ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम, फिल्म फिल्म। रिपोर्टर, सुने हैं तुम्हारे पास बहुत इज्जत है। हाँ, वो तो है हमारे पास, तनी हमरो देना। कथी इज्जत? तो बच्चा, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो प्रतिदिन कुत्ते को दो रोटी खिलाया करो। जी बाबा जी। भाई, सिंपल वाला खाया कि घी वाला? मतलब हर एक दोस्त के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा कुत्ता ही होता है। चक्कर से दूर रहते हैं सर। काहे कि भाई भिखारी है, कोई पटवे नहीं करती है। नमस्कार, प्रणाम, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कुत्ता की तरह बोलते हैं। हाँ तो बोल के दिखाइए। तो नमस्कार, प्रणाम। अरे भाई साहब, इतना हमारा जैसे बोल रहे हैं। हाँ तो कुत्ते ना। नमस्कार, हम सभी माँ बाप से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का इज्जत करें, क्योंकि वो देश का मातृत्व। बच्चों की इज्जत हो रही है। अरे लड़की पटाना हमारा बायां हाथ का खेल है। आ नहीं पटी तो भाई का दाहिना हाथ का खेल है। अरे पता नहीं फिल्म में लड़की से टकराने पर कैसे प्यार हो जाता है, क्योंकि वो फिल्म है। हम आ रहे थे, वो लड़की से टकरा गए। तो क्या बोली? अरे बोली कि ठीक से चलना लौड़े, अंधा है क्या? क्योंकि वो फिल्म है, ठीक है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड, और मतलब जितनी भी इंडियन सिनेमा है, ठीक है, उसे देखकर आप लोग प्लीज प्यार की टिप्स मत लिया कीजिए, क्योंकि वो सब कुछ नकली होता है, ठीक है। वैसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है कि आप एक लड़की से कंधा टकराएंगे और वो ऐसे मुस्कुराएगी, है ना, और आप भी अपना दांत दिखाएंगे और वो पट जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से दांत पर मुक्का जरूर मार के जाएगी कि बीच में खिड़की खुल जाए। सो यार, कमाल की वीडियो है, एंड इससे पहले वाली वो भी बड़ी अच्छी वीडियो थी कि माँ बाप को ना अपने बच्चों की फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए, है ना, लेकिन बच्चा ही बीच में आ रहा है तो उसको हट मदरबोर्ड। भाई साहब, एंड सबसे पहले वाली, भाई लड़के भी अपनी इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आजकल सेफ नहीं है। सो आई होप आप लोग को कंपाइलेशन एंड मेरा रिएक्शन दोनों पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।